वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जुगिंदर सिंह पॉडकास्ट द्वारा स्वागत करती हाँ। अज का लेख गुरु हरगोबिंद साहिब जीवन ते जोत तुहाडे अगे रख रही हाँ। गुरु हरगोबिंद साहिब गुरु अर्जन देव जी दे इको एक ते होनहार सपुत्र सन ते गुरु नानक देव जी दी जोत ते जुगत दे छेवें गुरु वारिस हन। आप जी का जन्म 9 जून 1595 ईस्वी को माता गंगा जी की कुखों वडाली विखे होया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म बारे सिख ग्रंथा विच एक रवायत प्रचलित है कि माता गंगा जी सपुत्र प्राप्ति की आसीस से वरदान लई बाबा बुढ़ा जी कोल गए। बाबा बुढ़ा जी उस वेले प्रशादा छक रहे सन। जदों उन्होंने गंडा भनिया ता सहजे ही ए बोल प्रकाशमान होया कि माता जी आप जी दे ग्रह एक ऐसा गुरपारी परोपकारी ते दल पंजन योदा जन्म लवेगा जेड़ा सच प्रेम अनख ते आजादी दा राखा भी होवेगा अते जोर ते जुलम दा विद्रोही भी होवेगा। इतिहास साखी है कि हर गोबिंद जी दा जन्म होया वो अपने जीवन चरित्र ते कर्तव्य विच गुरपारी भी बने, परोपकारी भी साबत होए ते दल पंजन योदा भी प्रवान चढ़े। गुरु परंपरा ते गुरु इतिहास विच गुरु हरगोबिंद साहिब दी विशेषता ते विलक्षणता दा केंद्री बिंदु ए दल पंजन योदा होना ही है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा जन्म परिवार लई विकसंता दा जन्म सी ते पृथ्वी चंद वर्गे विरोधियां लई वंगार दा जन्म सी। माता गंगा जी दी शादी 1580 विच होई सी अते 1581 विच उना दे पति गुरु अर्जन देव जी गुरु सिंघासन होते विराजमान हो गए सन। 14 साल बच्चा ना होने दे कारण पृथ्वी चंद ते उसका परिवार इस आस ते विश्वास विच ही सी कि गुरु अर्जन देव जी पिछों गुरगद्दी दा वारिस भी मैं, गुरदरबार दा दी जायदाद दा अधिकारी भी मैं ते सिख लहर दा आगू भी मैं। हर गोबिंद जी दे जन्म लैन नाल जे गुरु परिवार गुरु दरबार ते श्रद्धालुआं विच खुशी ते मंगलमई भावना दा प्रगटावा कीता गया ता पृथ्वी चंद ने होनहार सपुत्र नू मार मुकान लई कदी दाई दे थन्ना नू जहर लवा के, कदी दही विच जहर पवा के, कदी सपेरा बुला के ते कदी हमला करवा के अनेक यतन कीते। एक वारी सीतला भी पूरे जोर नाल निकली पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जन्म संस्कारां विच पुन परोपकार ते भगती पाव दी लंबी साधना सी, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमेशा अपना हाथ दे के हर दुख कलेश ते संकट विचों गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू नवा निरोया रखिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी विद्या ते सिख्या दा सारा प्रबंध बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी नू सौंपिया गया। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी गुरु वरसोए भी सन। सिख धर्म ते धर्मी शक्ति नू जथेबंद करन लई गुरु अर्जन देव जी ने पहला धर्म केंद्र दे रूप विच श्री हरिमंदर साहिब सिरजिया ते फिर धर्म विधान दे रूप विच पोथी परमेश्वर नू संपादित करके जिवें राष्ट्रीय ग्रंथ दे रूप विच उजागर कीता। उस दा सिट्टा ही सी कि गुरु दरबार दी प्रतिभा ते प्रताप दिनो दिन वध रहा सी। गुरु अर्जन देव जी नू सच्चा पातशाह ते श्री हरिमंदर साहिब जी नू सच्चा दरबार आख्या जान लग पिया सी। धर्म ते ज्ञान दियां सांझां ते सद्भावना नू वधावा देण लई हिंदू अते मुसलमान भी पूरी श्रद्धा निडरता ते आजादी नाल गुरु दरबार विच आउण लग पए सन। गुरु विरोधी ते जहांगीर गुरु दरबार दे इस वध रहे प्रताप नू कवली नजर नाल देख रहे सन। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी नू निकट भविख विच वापरण वाले सारे हालात का जायजा भी सी। यही कारण है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू धर्म विद्या दे नाल खड़ग विद्या, घोड़ सवारी,
ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਧੀਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।